वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करूँगा कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम लोग अपना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपने डॉग्स को हम दलिया वगैरह में लेके आए, वो रोटी वो डाल देते हैं, फिर आपको अगली रूटीन दिखाते हैं। दलिया और रोटी मिक्स कर लिया, डालते हैं अब इसको। ये खा रही है अब, माशाल्लाह से खाती रहेगी ये। और हमारे इस डॉग को, इसने फाइट की थी डॉग्स के साथ, और इसके कान के नीचे ये देखिए ज़ख्म हो गया। दवाई लगाते हैं हम इसको, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्म हो गया कान के अंदर। दवा करेंगे कीड़े ना लगे, कीड़े लग गए तो और भी मसला हो जाएगा। तो दोस्तों रोटी भी डाल दिया और इसको हमने दवाई भी लगा दी, और इसने खड्डा देखें कितना गहरा खोद लिया खुला अंदर तक। मक्खियों से बचने के लिए खोद रहा है ये, और ये अंदर ही बैठा रहता है, अभी बाहर निकला है ये। और हमारे बच्चे पट्ठे खा रहे हैं इधर, बकरियां भी आ गई है खुल के, ये भी अपने अपने पट्ठे खा रही है। और हमारा मुर्गा भांगे दे रहा है जी, ये देखें। रोज़ इनके लिए रोटी लाता था, आज नहीं लाया। आ रही है देखें कैसे आ रहे हैं, मारता है ये मुझे, बड़ा गंदा है। ये भी आ गई है जी बकरियां, एक बच्ची आ गई है, वो भी आने लग रही है। और गायें हमारी पट्ठे खा रही हैं, ये देखें। गाय का दूध पिलाते हैं, ये देखें जी दूध पी रहा है। पहले भी इसको पिला दिया था, अब ये थोड़ा बहुत बचा है, पहले भी इसको पिला दिया था, अब बचा ये। इसने भी अपनी डाइट खा लिया, ये देखें जी माशाल्लाह से। अब इसने थोड़ी सेहत बनाना शुरू कर दिया, पहले बीमार हो गई थी और ये खा नहीं रही थी कुछ भी। गाय हमारी पानी पी रही है जी। तूड़ी मिलाते हैं क्योंकि ये दूध वाले नहीं हैं। और ये हमारी दूध वाली गायें हैं, इनमें हम हरा ही डाल देते हैं, बस थोड़ी सी मिलाते हैं हम तूड़ी। और ये खाने की चीज़ नहीं है माशाल्लाह से। अब देखें इसने दूध भी बढ़ा लिया अपना। ये हमारे मुर्गे इधर खा पी रहे हैं अपना। और आपको अपना पुदीना दिखाते हैं हम, ये देखें जी। एक जड़ इधर लगाई थी, थोड़ा इधर हो गया और आधा इधर हो गया जी, ये देखें। और ये इधर हमने जड़ें लगाई थी, ये सारी सूख गई है। और ये लहसुन हमने सारा पार लिया, वो रहता उसको हम बाद में पारेंगे। आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है, और ताकि हमारी हर आने वाली अमेजिंग वीडियो आपके पास जल्द पहुँच जाए।